भाई नसरुल्ला के घर पहुंच गए और जाए नमाज जो है ना वो भाई नसरुल्ला को कहे थे। जी हाँ जी, ये मेरे ख्याल ऑर्डर पहले दिया हुआ था। इमरान भाई तैयब के पास नहीं थे, फिर उसने ला के दिया ना। हाँ जी, ऑर्डर दे के आए थे हम लोग, उसके पास था नहीं, तो वो भाई नसरुल्ला के ना ये मोहल्ले का ही है भाई, तो उन्होंने फिर ला के दिए थे। भी नहीं, वो मैंने कहा ना जो भाई तैयब है ना, तो वो फयाज की सारी वीडियो देखता है, वो कहता था कि मुझे बहुत फयाज भाई अच्छे लगते हैं ना, तो मैंने उसे कहा कि फयाज भाई है ही इतने अच्छे, तो अच्छे लगने वाली कौन सी चले जी बात होती है। भाई, अल्लाह खुश तो रखे। मैंने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल नाइस पर्सन है ना, तो कभी उसने किसी से यानी कि वो गलत बयानी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं अच्छा भी दिया। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्याज भाई, जी जान माल दे, जो नमाज पढ़ेगा तो वो अल्लाह। बिल्कुल हाँ जी, स्वाब उसका मिलेगा आ जाएगा। ना। और आप इरम का भी शुक्रिया ना, जिन्होंने जी खास तावन किया, जिनकी मदद से भी हम लोग भी आगे बढ़े ना। जी बिल्कुल है। हाँ जी बाजी, इरम का भी बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी, जिन्होंने मतलब इतना तावन किया हमारे साथ, इतना हमें मतलब के सपोर्ट कर रही हैं, वो भी के उनकी मदद हाँ करें। गरीबों की मदद हाँ कर जी रही, अल्लाह ताला उन्हें भी जी बहुत दे। आप इरम की मुझे भी कॉल आई थी, तो अच्छा कह रहे थे कि नसरुल्ला भाई आजकल आप बड़ी जो है ना शरारत कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, हमने ना कि हमने सोचा था ना, जब अल्लाह ताला हमें देगा तो हम भी लोग खैर खैरात करते, तो मेरे दिल में इतना आता था कि काश अल्लाह ताला हमें भी इतना दे और हम भी कभी खैर खैरात करें। तो हाँ ये जी बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने दिया अच्छा, तो है भाई तो फयाज भाई आपका ये बहुत अच्छा काम है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे ना एक दिन बैठे बैठाए याद आ गया, जिस दिन वो सामान राशन लेने गया, मैंने कहा यार राशन तो साथ में देना ही देना है, तो क्यों ना क्यों अजर भी मिले, कोई इस पे नमाज पढ़ेगा उसका सवाब बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल और काफ़ी मैंने घर ऐसे देखे हैं जो मतलब के कोई कपड़ा डाल के भी नमाज पढ़ते हैं, जी बिल्कुल जिनके पास ऐसे जान ही, नमाज खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे ही ऐसे नहीं ही है, ऐसे ही है। तो मैंने कहा उनको मैं अच्छा ये देता एक हूँ। चीज़ और भी है, बस वो थोड़ा सा रह गया मसला, मैंने आपको एडवाइस देनी थी कि तस्बीह भी साथ ना ले ये जाए। मुझे दोपहर वक्त याद आया हाँ कि जी ये हाँ मैं जी, एक चीज़ रह तो गई हूँ, मैंने कहा कि साथ एक-एक जाए नमाज और एक-एक तस्बीह, ठीक है नेक्स्ट ना। जब करेंगे हाँ ना जी, अगले जब मंथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले मंथ। करेंगे तो इंशाल्लाह एक-एक नहीं भाई, साथ इस तरह करते हैं जो ना, इस बार जो हमारा बजट था ये जी इधर हो गया, ये हो ने गया, अगले मंथ जो बजट होगा ना उसमें तस्बियां कर देंगे, उसमें तस्बीहें करेंगे क्योंकि जी, जाए वैसे नमाज के साथ ही तस्बीहें, उनमें से एक आइटम कम कर देंगे ना जो पहली वाली है। चलिए फिर सुबह हाँ आपने आना ही है। ठीक है, हाँ जी फिर कर इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह, फिर तकसीम ओके भी करेंगे जी। और फिर करेंगे। हाँ जी, उमार साहब जाना है आपने, इधर इधर एक मिनट, इधर ही इधर आ बैठो, जाओ। एक मिनट। उमार साहब कह रहे हैं कि मैंने मामू के साथ जाना है, मैंने तो कहा है कि भाई आप भेज दें इसे राशन तकसीम करना है, भाई भी आएंगे, फिर उधर मैंने भी खैर खैरियत का जो है ना वो एक प्रोग्राम भी करना है, और वीडियो में ही मैंने आपको दावत दे दी है, ठीक है ना, संडे वाले दिन। जी अगर आप हमें इंशाल्लाह। नहीं भी बुलाते, हमने फिर भी आ नहीं जाना। नहीं मुझे नहीं बहुत ज़्यादा, देखो अगर नहीं, कोई बहन भाई इतने चाह के साथ खुद बोले दावत और देनी उन्हें आए। हाँ खुशी के साथ इनवाइट करे ना, तो जी मेरे तो सीधे साधे अल्फाज होते हैं। और एक मेरी आपी ने कहा कि नुसरा भाई आपने तीन अल्फाज जो बोले ना, नाइस, क्यूट और स्वीट, मैंने कहा यही तीन आते हाँ हैं। जी, तो बस ऐसे ही है, बस अच्छा जिंदगी भाई ना। ये ना घर जाके मैं आपको दिखाऊंगा, अभी टाइम कम है, आप देखने सूरज ग्रुप हो गया, शाम हो गई है, घर भी जाना है, तकरीबन 32-33 किलोमीटर का सफ़र है, इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, करके जाना है। उमार भी शायद मेरे साथ हैं, अभी नहीं फाइनल तो नहीं उमार है। सुबह मेरे साथ ही, शाम हो जाएगी और मैं नहीं से भेज दिया। अच्छा चलें भाई, अब मैं चलता हूँ, उमार साहब तो बैठे हैं चुपचाप, वो कह नहीं रहे हैं कि उमार मैंने को मैं जाना। गांव में लेके दूसरे गांव में जाता हूँ ना, अच्छा उमार मेरे चलें, साथ जाता है। हाँ जी चलें, ठीक हो गया। ठीक हो गया, अच्छा भाई आप लोगों को अब दावत हो गई। ठीक हाँ है जी, थैंक अब यू। मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, मैंने भी अच्छा जी ये देखें, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो होती है ना ये होती है, इधर ये देख लें साथ में गंदम पड़ी है, वो देखें ढेर लगा हुआ है गंदम का पेड़ जिसे बोलते हैं, और इन भाई साहब ने जो है ना वो देखें आग लगाई हुई है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी किसान भाई हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, कि ये आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गंदम काटने के बाद अक्सर लोग खेतों में आग लगा देते हैं कि गंदम ये खेत साफ़ हो जाए, लेकिन एक तो ये ज़मीन का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है आग, जल के जो है ना जब जला देती हैं हम तो खेतों को काफ़ी नुकसान होता है, एग्रीकल्चर वालों के हिसाब से ना वो कहते हैं कि आग ना लगाएं आप, तो ये देखने भाई साहब ने आग लगाई हुई और इधर साथ में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम ना किया करें आप रूटावेटर चलवा लें या कोई और मशीनरी की मदद से साफ़ करवा लें, ये काम ना करें। माशाल्लाह माशाल्लाह।
बच्चों को हमने बाहर बंद किया हुआ है, बच्चे अब दरवाजा हमने बंद कर लिया हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सी ना वो नजर आता है दरवाजे से, वहां से खड़े होकर देख रहे हैं क्योंकि तो शोर ही देख रहे हैं। ये देखें एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, दो दो पीस होंगे मेरे ख्याल एक तरह के। यार दा कलर थोड़ी चेंज नहीं आ गया, पहला जिहड़ा पहला सब तू कढ़िया उहदे नाल दा होणा आ, इह चार इस तरह दे हो गए, ये जिसको राशन देंगे ना उनको ये भी साथ में दे देंगे ना, हर घर को एक एक देते जाएंगे, और बाकी ये जिसने राशन लेने गए थे ना तो वहाँ बैठे बैठे मेरे जहन में आ गया कि हमने राशन तो साथ में देना ही है तो क्यों ना हम लोग इस तरह की चीज भी दें, माह रमजान भी है और उसके बाद में भी उनके काम भी आएगा और इसका स्वाद भी मेरे का मुताबिक ज्यादा है, तो ये चीजें हैं। बाकी मेरी नेक्स्ट ये भी सोच है कि हम ये जब भी नमाज पढ़ेंगे कोई याद भी करेगा और दुआएं भी देगा कि किसी ने हमें ये चीज दी है। और बाकी मेरी ये भी सोच है कि जो इधर मस्जिदें हैं ना उनमें भी मैं इस तरह की चीजें लेके ना हर मस्जिद में ये जाय नमाज वगैरह जो है इस तरह की चीजें लेके रखूं, और ये जिंदगी तो पता नहीं कब खत्म हो जाएगी लेकिन कोई इस पर नमाज पढ़ेगा और कोई भी आके मतलब जब नमाज पढ़ते तो फिर वो दुआ भी मांगते तो उस नमाज दुआ में भी हमें याद रखेगा, हो सकता है अल्लाह किसी की भी कबूल फरमा लेता है। मेरे मुताबिक भी इस तरह के काम आप भी लाजमी करें तो देखने वाले बहन भाई हैं, और आप इरम का फिर से एक बार शुक्रिया जिन्होंने मतलब इतना कुछ हमारा वो किया कि वो उन्होंने सोचा। ऑलरेडी आप इरम जो है वो काफ़ी फैमिली की मदद कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी जो है ना मैं इधर जो हैं कुछ गरीब जो हैं ज़्यादा उनकी मदद के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी आपके साथ हूँ, तो हम इंशाल्लाह मिलके जो है ना हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी अजर दे, उन्हें भी उनकी मदद के मन में जो भी है नए ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनकी पूरी फरमाए। आमीन सुमामी ते बहुता बहुता देवे ते तंदुरुस्ती देवे ते अल्लाह उन्हें हर परेशान पूरी करे ते जे नहीं के सोचिया भी हम दा करिए गरीबां दी, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी दा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो सामान वगैरह लेना था सारा ले लिया है, ठीक है खाने पीने की चीज़ें हो गई, और सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये चीज़ लगी है, वो चीज़ें दो दिन में चार दिन में हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी, लोग शायद याद करना छोड़ जाएं, ठीक है इस पे जब भी नमाज पढ़ेंगे ठीक है वो हमें याद करेंगे और दुआएं देंगे। और एक चीज़ रह गई है भाई नसरुल्लाह ने भी जो बोला था तस्बीहां रह गई हैं वो मेरे माइंड में भी था और सूरतें वगैरह भी था, और नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि कुरान पाक सूरतें और तस्बीहां वगैरह लेके तकसीम करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अब इंशाअल्लाह रात हो गई है, सुबह उठते ही ये सारी चीज़ें तकसीम करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कितना कितना राशन बनता है फी घर का। तो अब इसी के साथ हमें भी इजाज़त दें, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।